सिद्धार्थ और अदिति राव हैदरी ने हाल ही में तेलंगाना में गुपचुप तरीके से सगाई कर ली। जब एक्टर्स ने इंस्टाग्राम पर इस खबर की पुष्टि की तो फैंस दंग रह गए, जबकि अफवाह ये उड़ रही थी कि उन्होंने तेलंगाना में शादी रचा ली है। अब एक इवेंट में सिद्धार्थ ने अदिति और सगाई के बारे में अब खुलकर बातचीत की है और शादी कब करेंगे इस सवाल पर भी उन्होंने चुप्पी तोड़ी है। जब 27 मार्च को सिद्धार्थ और अदिति की सगाई हुई तो उन्होंने इस बारे में पहले कभी जिक्र नहीं किया था, जिससे अटकलें लगने लगी कि उन्होंने शादी कर ली है। और बाद में दोनों ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी अंगूठियों की तस्वीर फैंस के साथ शेयर की और साफ साफ बता दिया कि सगाई हो चुकी है। अब इवेंट में सिद्धार्थ ने कहा, कई लोगों ने मुझसे कहा कि हमने सगाई गुपचुप तरीके से क्यों की, परिवार के साथ निजी तौर पर और चोरी छिपे कुछ करने के बीच एक बड़ा अंतर होता है। जिन लोगों को हमने इनवाइट नहीं किया वो सोचते हैं कि इसके पीछे कोई राज है, लेकिन जो लोग वहाँ थे वो जानते हैं कि वो प्राइवेट सेरेमनी थी जिसमें फैमिली और रिलेटिव्स ही शामिल थे। जब सिद्धार्थ से पूछा गया कि अदिति ने कब हाँ कहा तो उन्होंने मजाक में कहा कि उसके हाँ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने बताया कि ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि उसे हाँ कहने में कितना समय लगा। अंत में रिजल्ट या तो हाँ होना चाहिए या ना, इंसान पास हो या फिर फेल। मैं परेशान था कि वो हाँ कहेंगी या ना, लेकिन फॉर्चुनेटली मैं पास हो गया। शादी की तारीख परिवार के बड़ों पर निर्भर करेगी, इस बारे में वो क्या कहते हैं वो चीज मायने रखेगी। ये किसी शूटिंग की तारीख की तरह नहीं है जिस पर मैं फैसला ले सकता हूँ, ये जीवन भर की तारीख है। इस बार वो फैसला ले ले तो शादी सही समय पर होगी। सिद्धार्थ जल्द ही शंकर की इंडियन 2 में दिखाई देंगे, जिसमें कमल हासन, काजल अग्रवाल और रकुल प्रीत सिंह भी शामिल है। फिल्म का निर्माण 2019 में शुरू हुआ था और अब ये पूरी होने वाली है। फिल्म निर्माताओं ने शनिवार यानी 6 अप्रैल को एक नया पोस्टर भी जारी करते हुए इस साल जून में रिलीज करने की अनाउंसमेंट की है। अभी तारीख की घोषणा फिलहाल नहीं की गई है।